हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला दोस्तों, यदि आप आधार कार्ड को अनलॉक करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहां पे इजीली आराम से कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको दो मैटर बताऊंगा, जैसे कि अगर आपका आधार कार्ड में बायोमेट्रिक लॉक लग गया तो दोस्तों अगर आप उसको अनलॉक करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इजीली आराम से 2 मिनट के अंदर दोस्तों आप यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 मैटर बताने वाला हूँ, जैसे कि अगर आपके आधार कार्ड को कोई मिसयूज कर रहा है, अगर आप आधार कार्ड को बायोमेट्रिक लॉक लगाना चाहते हैं या आप आधार कार्ड में डायरेक्ट आप लॉक लगाना चाहते हैं तो अगर आपको आधार कार्ड कोई मिसयूज नहीं कर सकता है। तो मैं आपको 2 मैटर बता देना, आधार कार्ड में लॉक कैसे लगाएं और बायोमेट्रिक लॉक कैसे लगाएं और उसको अनलॉक कैसे करें, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर जाके। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर लाइव प्रूफ साथ दिखाने वाला हूँ। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको इस टाइप से इंटरफेस मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल क्रोम में आपको यहाँ पे सर्च करना है। मैं आपको क्या चीज़ सर्च करना है, UIDAI, इतना सर्च करके आपको यहाँ पे सर्च कर देना, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे सर्च कर देंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे इस टाइप से इंटरफेस मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखिए UIDAI.gov.in दैट आप करेंगे तो आपको यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस खुल जाएगा। अगर आप UIDA लिखेगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। UIDA कैसे आपको लिखना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप UIDA लिखेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे फर्स्ट मिलेगा इस टाइप से, इसी पे फिर से क्लिक कर देंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। UIDA का वेबसाइट, ठीक है। इसका खुल जाने के बाद आपको यहाँ पे पहले लैंग्वेज चूज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लेना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जो भी आपको चाहिए आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे इंग्लिश में क्लिक कर देता हूँ ऊपर वाला। जैसे जैसे दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे फॉलो करना, आपका यहाँ पे आधार कार्ड बायोमेट्रिक अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप गलती से आधार कार्ड में लॉक लगा दिए तो आप यहाँ पे बायोमेट्रिक भी अनलॉक कर सकते हैं और आधार कार्ड को भी अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले फिर आपको समझा देता हूँ क्या क्या फंडा है, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट आधार, और एक आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट आधार, और 3 नंबर पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको आधार सर्विस। तो नीचे में देखिए सबसे नीचे में लास्ट में बता रहा है लॉक और अनलॉक बायोमेट्रिक, कहाँ बता रहा है लॉक और अनलॉक बायोमेट्रिक। आपको इसी ऑप्शन क्लिक करूँगा लास्ट वाले, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेज को ऊपर करना होगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिल गया लॉक और अनलॉक आधार कार्ड, तो आप यहाँ पे देखिए बता रहा है कि लॉक अनलॉक आधार कार्ड, तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसका ऑप्शन जैसे ही क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहाँ बता रहा है, देखिए आप यहाँ बता रहा है आप यहाँ पे आधार कार्ड को अनलॉक कर सकते हैं 16 डिजिट का VIDA यानी वर्चुअल आईडी नंबर डाल के और आधार नंबर डाल के, ठीक है। आप यहाँ पे इजीली आराम से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नीचे में नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों अगर आपको आधार कार्ड में लॉक लगाना है तो आप यहाँ पे लॉक पर क्लिक करने देंगे। अगर आपको आधार कार्ड में लॉक लग गया है गलती से या उसको अनलॉक करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे अनलॉक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये अनलॉक पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप अनलॉक पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहाँ देखिए वर्चुअल आईडी नंबर मांग रहा है, ठीक है। वर्चुअल आईडी मतलब क्या समझ रहे हैं, तो मैं आपको साइड में देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ स्क्रीन, यानी आधार कार्ड में डाल दिया हूँ, वर्चुअल आईडी वहाँ पर होता है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग अगर आपको वर्चुअल आईडी पता है तो आप ये वर्चुअल नंबर यहाँ पर डालिए और यहाँ पे सेंड OTP क्लिक करिए, ठीक है। कैप्चा कोड डाल के सेंड OTP क्लिक करिए तो आपको यहाँ पे जैसे OTP आएगा OTP सबमिट कर देंगे। नीचे में सबमिट जैसे ही कर देंगे तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो फंडा समझ गया, अगर आपको लॉक लगाना है तो यहाँ पे लॉक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या चीज़ डालना है, वर्चुअल आईडी नंबर डालना है, फुल नेम, पिन कोड, कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP क्लिक करेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर है उस पर OTP जाएगा, OTP डाल के सबमिट कर देंगे तो आपका आधार कार्ड में लॉक लगा जाएगा, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट बता दिया हूँ लॉक और अनलॉक बता दिया हूँ। पहले समझा दिया हूँ कि अगर आप यहाँ पे वर्चुअल आईडी पता है तो आप यहाँ डर सकते हैं, अगर आपको वर्चुअल आईडी पता नहीं है तो आप यहाँ पर आधार नंबर डाल के चेक करना, ठीक है। आधार नंबर डाल देंगे, कैप्चा कोड डाल देंगे तो सेंड OTP क्लिक करके यहाँ पे अनलॉक कर सकते, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट मांग रहा है वर्चुअल आईडी, ठीक है। तो आप यहाँ पर आधार नंबर डाल के भी ट्राई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये फंडा था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा भाई इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते दोस्तों, बाय बाय।